सदैव समझो कि हम ब्राह्मण परिवार के ताज के हीरे हैं, तो ताज से एक भी हीरा गिर जाए तो अच्छा लगेगा। तो इतना अपना महत्व समझो, साधारण नहीं समझो, महान हो। अच्छा है, चारों ओर से सेवा के समाचार भी बहुत अच्छे आते रहते हैं। भारत के अपने प्रोग्राम हैं, विदेश के अपने हैं, तो सेवा में अपने को बिजी रखते हैं और सदा रखना भी है। इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करना है कि सेवा में अपने को बिजी रखते हैं, रखना भी है। क्यों रखना है? क्योंकि सेवा सेफ्टी का साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। तो कितनी बड़ी बात बाबा बता रहे कि हमेशा सेवा में खुद को बिजी रखना है। समझा? विदेश विदेश से सिंधी भाई बहनों का ग्रुप आया है। बाप दादा ने सभी को आगे बुलाकर बिठाया। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार देख खुशी होती है। देखो कितने हैं आपके परिवार में, और सारा परिवार चुने हुए श्रेष्ठ आत्माओं का है। तो भारत वाले आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि खास जो बरखिलाफ थे वो फेवर में हो गए, जो एंटी थे, जो खिलाफ में थे, वो भी फेवर में हो गए। तो बाबा को बहुत खुशी हो रही है। सिंध में काके, चाचे, मामे, गायन भी है, मामा, काका, चाचा, तो उन्हीं परिवार से निकल आए। तो कितने लकी हो। सिंधी लोग बहुत बरखिलाफ थे ना, और अभी नजदीक आए हैं, इसलिए इस ग्रुप को नजदीक बिठाया है। आपका ग्रुप बहुत खुश है। अच्छा, सभी डबल विदेशी सदा बाप के साथी है, इसलिए साथी का स्थान कौन सा है? साथी कहाँ रहते हैं? दिल तख्त पर। तो रहते हो या कभी कभी उतर जाते हो? बाबा ने देखो तख्त भी कौन सा दिया है, बाबा का दिल तख्त दिया है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि हमेशा दिल तख्त पर रहते हो या कभी कभी उतर जाते हो? सदा बाप के साथी है, इसलिए तख्त नशीन है, अधिकार है तख्त पर। जो साथी होता है मानो राजा है। अभी राजा तख्त पर बैठेगा तो रानी अधिकारी है ना। जब राजा को तख्त का अधिकार मिल जाता है तो रानी भी ऑटोमेटिकली उसका अधिकारी हो जाती है, क्योंकि साथी है। तो आप सभी डबल विदेशी साथी हो ना, तो आपका दिल तख्त संगम युग का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि भारतवासी नहीं है। डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं इसलिए डबल विदेशी कह रहे हैं। मिस, जो भी बात बाबा करते हैं वो सभी के लिए लागू होती है। तो बाबा वही बता रहे कि ये बात बाबा सभी से कह रहे हैं। बाकी जो भी साथी है वो सब अधिकारी है। फिर भी दौड़ धूप करके पहुंच तो जाते हो ना, तो क्या याद रखेंगे? कौन हो? साथी है और तख्त नशीन है। समझा? अभी भारतवासियों के ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। भारतवासी ठीक है, भारतवासियों को तो नशा है कि अगर भारत में बाप नहीं आते तो विदेशी कहाँ से आते? क्योंकि बाप दादा को ड्रामा में गरीब निवास कहा जाता है। तो विदेश गरीब नहीं है, भारत गरीब है। और बाप तो गरीब पसंद है, इसलिए गरीब से गरीब भारत में आया। लंदन में नहीं आया, अमेरिका में भी नहीं आया। भारत अविनाशी है। तो बाबा यहाँ पे भारत की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि भारत में ही बाबा का अवतरण होता है, भारत में ही बाबा आते हैं। तो भारत अविनाशी है, अविनाशी खंड फिर भी भारत ही होगा। ये अमेरिका तो अभी निकली है, अभी खत्म हो जाएगी। बाप अविनाशी है तो अविनाशी खंड में ही आता है। भारत को नशा भी बहुत है।
भारत को सबसे बड़ा नशा है कि हमने भगवान को भी अपने प्यार के रस्सी में बांध लिया है। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। देखो अभी भी भारत में आते हैं ना, आप सबको भी भारत से मिलने आना है, तो भारत भी कम नहीं और विदेश भी कम नहीं, दोनों लाडले हैं। अच्छा अभी सिंधी भाई बहनों से बार बार बात कर रहे हैं, कितने आए हैं? 70 आए हैं। अभी फिर माला पूरी करके आएंगे, दो प्रकार के आए हैं, लेकिन आते आते आखिर जाएंगे कहाँ? कितना भी कोशिश करे किनारे करने की, लेकिन नहीं हो सकता। बाप को छोड़ सकते हो? बाबा पूछ रहे कि आप भले लेट आए बट बाप को छोड़ सकते हो? बाप कहे आप नहीं आओ फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछ रहे बाबा कि बाबा कहेंगे नहीं आओ फिर क्या करेंगे? तो आंसर आ रहा है कि आएंगे। फिर बाबा पूछ रहे क्यों आएंगे? बाप कहे नहीं आओ फिर भी आएंगे क्यों? तो बच्चे आंसर दे रहे हैं, अधिकार है मेरा, कहो अधिकार है मेरा, मेरा घर है, मेरा बाप है तो अधिकार है। सोचते हैं बाबा मिलेगा नहीं मिलेगा, देखेगा नहीं देखेगा, देख लिया ना। अभी इन्हों को सभी सिंधियों को जगाना है, सब और जग रहे हैं, जितना बड़ा करना चाहो करो, ऐसी सीजन में करो जो सब होटल पहले से बुक कर ले, जिस होटल में भी जाए तो ब्रह्म कुमारियों का हो। जगाना तो सबको है और भारत में तो जगाने के बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखे हैं, तो अभी सबको हमें जगाना है, बाबा को प्रत्यक्ष कराना है, सबको संदेश देना है ना। बाबा आया है, परमात्मा आ चुका है, तो वही बाबा यहाँ पे बात बता रहे कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखे हैं। बाप दादा के पास सब समाचार आए हैं कि भारत जंप लगा रहा है, कि भारत में कोने कोने में संदेश मिल जाए, कोई रह नहीं जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, उलहना पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबको संदेश देना है, नहीं तो बाद में वो उलहने देंगे। तो अभी बताना है, अभी संदेश देना है तो उलहना पूरा हो जाएगा। फिर बाबा युद्ध से बात कर रहे हैं, युद्ध की रिट्रीट चल रही है, देश विदेश का मिलकर प्रोग्राम हो रहा है, इनका टीचर कौन है? तो अच्छा लगता है युद्ध को, स्टूडेंट भी राजी और टीचर भी राजी, दोनों राजी। अच्छा बहुत अच्छा प्रॉमिस किया है, पक्का रखना, सभी ने मिलकर जो प्रॉमिस किया वो मुख से बोलो। सभी ने बोल कर प्रॉमिस की, जो भी प्रॉमिस दी होगी वो सभी ने बोल कर प्रॉमिस की, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। अच्छा देखो ऐसे देश विदेश के यूथ इकट्ठे होकर कमाल करके दिखाए तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जब देखेगी कि देश विदेश के सब मिलकर दृढ़ संकल्प किया है, तो आप युद्ध के संकल्प के आगे आपे ही सरेंडर हो जाएंगे, तो युद्ध के आगे गवर्नमेंट भी सरेंडर हो जाएगी। तो अभी कभी प्रोग्राम बनाएंगे तो देश विदेश के युद्ध इंडिया की गवर्नमेंट को जगाएंगे, वो भी खुश होंगे। अच्छा बाबा याद प्यार दे रहे हैं, तो अनुभव करेंगे जैसे बाबा का हाथ अपने सर पर है और बाबा हमें याद प्यार और वरदान दे रहे हैं। चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए, औरों को बनाने वाले सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले मायाजीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत, ऐसे संगमयुगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार
और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो यह यहाँ का रिवाज है, 12 बजे बेल बजेगा तो बाप दादा को बच्चों की बात रखनी पड़ती है। वैसे तो 11 बजे बेल लगाओ या 12 बजे, ब्राह्मण नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएंगे? डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में बच्चों ने गीत गाए, नए वर्ष की बधाइयां दी, कार्ड आदि बाप दादा को दिए। तत्पश्चात नए वर्ष का शुभारंभ होते ही बाप दादा ने सभी को बधाइयां दी। तो बाबा बधाई दे रहे हैं। आज के दिन डबल मुबारक है, दो मुबारक है ना, क्योंकि नया वर्ष भी शुरू हो रहा है और इसी वर्ष डायमंड जुबली का वर्ष भी है। तो एक नए वर्ष की और दूसरी डायमंड जुबली वर्ष की। तो सदा इस वर्ष को अपने दोनों स्वरूप, एक डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप और दूसरा सच्चा डायमंड, बेदाग डायमंड, अमूल्य डायमंड का स्वरूप। तो डायमंड बनकर अनेक आत्माओं को डायमंड बनाना, यही इस वर्ष का लक्ष्य है। और बाप दादा जानते ही है कि ब्राह्मण बच्चे लक्ष्य और लक्षण को साथ साथ करके दिखाते हैं। तो ये डायमंड जुबली वर्ष अनेक आत्माओं के बाप के समीप आने का वर्ष है और साथ साथ यह वर्ष सहज बाप के साथ रहने से सहज ही प्राप्ति का वर्ष है। इसलिए चारों ओर के बच्चे इस सहज वरदान का पूरा पूरा लाभ लेंगे और औरों को दिलाएंगे। डायमंड गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों। चारों ओर के बच्चों के बहुत खुशी और उमंग उत्साह के कार्ड मिले, पत्र भी मिले और सभी को रिटर्न में डबल प्यार और मुबारक हो। फिर 4 जनवरी को तलहटी में बहुत बड़े हॉल का फाउंडेशन स्टोन लगा रहे हैं, यह समाचार बाप दादा को सुनाया गया। तो बाबा कह रहे, जब डायमंड जुबली में सेवा करेंगे तो उन्हों को बैठने के लिए जगह बनाई है कि आप बाहर बैठेंगे, उन्हों को अंदर बिठाएंगे। क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे कि क्या करेंगे, उनको बाहर बिठाएंगे या अंदर बिठाएंगे? आप अंदर ही बैठेंगे, बाहर नहीं। अगर बाहर माइक में सुनने आए तो अंदर बैठेंगे। तो क्या करना पड़े? इसी शुभ संकल्प से अभी नीचे ज्यादा में ज्यादा मिल सके, बैठ सके, उसके लिए पहले स्टेज का फाउंडेशन डाल रहे हैं और सभी डालेंगे ना। चारों ओर के देश विदेश के बच्चों के अंगुली से सब ज्ञान सरोवर बन गया तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो तो सभी के संकल्प और सहयोग से सहज बनना ही है। तो बाबा यहाँ पे बता रहे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, सभी के सहयोग से, सभी के बच्चों के अंगुली से ज्ञान सरोवर बन गया तो ये तो छोटी सी बात है उसके आगे, ये बाबा बता रहे हैं। आपको पसंद है, डबल विदेशियों को ज्यादा अच्छा लगता है कि भारतवासियों को अच्छा लगता है? दोनों को अच्छा लगता। तो फिर फाउंडेशन डालना अर्थात अंगुली देना, पहाड़ तो उठा ही पड़ा है, ठीक है ना? देश और विदेश का संगठन का मेला है तो देश और विदेश दोनों मिलकर जो फाउंडेशन डालेंगे वो कितना अच्छा होगा। तो जो भी होंगे उन सबके तरफ से उस धरनी पर स्नेह से फाउंडेशन डालेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू लतिका बहन जी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया कि अलबेलेपन का पश्चाताप बहुत बहुत बड़ा है। अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को इस पुराने वर्ष में मन से विदाई दो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सेवा सेफ्टी का साधन है, जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जमा का खाता चेक करो, सारे दिन में ज्यादा से ज्यादा जमा हो तो सहज ही आप निर्विघ्न हो ही जाएंगे और फरिश्ते रूप में स्थित हो जाएंगे, तो हर घंटे रिवाइज करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि बड़ा मुश्किल लगता है, छूटता ही नहीं है, पर बाबा कहते हैं कि छोड़ो तो छूटे। पुराने वर्ष को दृढ़ संकल्प और पूरे निश्चय से इस ट्रे में 8 बातों के साथ विदाई दे दो। उसमें से बाबा ने पहला कहा अलबेलापन, दूसरा कहा बार बार रिवाइज करो कि स्टार्ट में आता है कि ये भी आप काम करते हो कि बार बार मेरी आत्मा मर्ज हो जाती है और मन बुद्धि सहित अपने को बिजी कर देते हो, तो बाबा कहते हैं कि इसको बार बार रिवाइज करो, ऐसा ना हो। ओम शांति। बाकी की बातें और सभी बताएं। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि आप काम शुरू करते हो तब तो याद करते हो मैं आत्मा हूँ, उसके बाद आप एक्शन कॉन्शियस हो जाते हो। बाबा कहते हैं अभी आप बॉडी कॉन्शियस नहीं होते हो, वहां से तो आप ऊपर उठते हैं पर एक्शन कॉन्शियस हो जाते हो, तो इसलिए हर घंटे का चार्ट रखना है कि मैं आत्मिक स्मृति में कितनी देर तक। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सारे दिन में ज्यादा से ज्यादा जमा हो तो आप निर्विघ्न हो जाएंगे और फरिश्ते रूप में स्थित हो जाएंगे, तो चेक करें कि हमारा जमा का खाता जमा होता जाता है या फिर हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं कि काम करते हैं भूल जाते हैं, तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि बार बार रिवाइज करो, हर घंटे में रिवाइज करो। जब जैसे अभी भाई बहनों ने भी बताया कि हर घंटे हम चार्ट रखें कि चेक करें कि हम कितना कर्म कॉन्शियस हुए और कितना सोल कॉन्शियस हुए, तो हमेशा कि मैं आत्मा हूँ और अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है अलबेलापन का पश्चाताप बहुत 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 बड़ा है, सो हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं क्या? सो अलबेलापन क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, अलबेलापन में कौन सी बात आते हैं, अलबेलापन माना क्या है? ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सदैव समझो कि हम ब्राह्मण परिवार के ताज के हीरे हैं, अगर ताज में एक भी हीरा गिर जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो अपना महत्व समझने के लिए बाबा ने बोला। ऐसे नहीं समझना है कि हम साधारण हैं, जो बड़े हैं वो ही अच्छा चलना चाहिए, ऐसा नहीं, हम सब अच्छे चलने चाहिए तो ही ताज वो अच्छा चलेगा। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि सेवा ही सेफ्टी की साधन है, अगर सेवा में बिजी नहीं रहेंगे तो सेफ भी नहीं रह सकते। ओम शांति। थैंक यू। अलबेलापन जो होता है, जो बाबा की शिक्षाएं जो हमें मिलती है, उन शिक्षाओं को हम कभी कभी जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब हमें बनना ही है, हमें करना ही है, मतलब उस चीज को हम प्रैक्टिकली उस समय करते नहीं है, और फिर हमारे पास वो क्षमता होती है, विशेषता होती है, सब कुछ होते हुए भी चलते चलते ज्ञान में औरों को देखने लग जाते हैं। जब हम दूसरों को देखने लग जाते हैं और फिर दूसरा अगर वो चीज नहीं करते हैं तो हम भी समझते चलो कोई वो भी तो नहीं कर रहे तो चल जाएगा, हो मना विशेषता होते हुए भी उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते,
तो ये अलबेलापन आ जाता है, माना दूसरों को देखने से ही अधिकतर अलबेलापन आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं औरों को नहीं देखो, अपने आप को देखो। नहीं तो बाबा ने आज बहुत ये कहा कि पश्चाताप हो गया अंत में, और तीन बार कहे बहुत 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 बड़ा पश्चाताप। तो अंत समय जब आएगा हमको, जब उस समय ऐसे पश्चाताप हो जाएगा कि हम कर सकते थे, हम हमारे पास विशेषता भी था लेकिन हम कर नहीं पाए, तो वो जैसे बाबा कहते हैं ना खून के आंसू रोएंगे, तो उस तरह का वो स्टेज हो जाएगी। ये अलबेलापन हमें बहुत नीचे ले आती है। ओम शांति। हाँ जी, हमारा भाग्य को हम भूल जाते हैं, भगवान हमारा साथ है, वो ऑफर दे रही है, उसको हम यूटिलाइज नहीं करते, उनका शिक्षाओं को हम यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल बाबा कहते हैं पढ़ाई पर ध्यान दो, अमृत वेले शक्तिशाली योग करो, हम उसमें अलबेलापन आ जाते हैं तो इन्हें क्या होता है, पश्चाताप, फाइनल में पश्चाताप करना पड़ता है। अभी क्या होता है, नींद का नशा रहने से हम क्या समटाइम्स क्या होता है अमृत वेला में थोड़ा पीलापन हो जाता है ना, उतना शक्तिशाली नहीं होके। बाबा हमेशा बोलते हैं पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई हम प्रायोरिटी, समटाइम्स क्या होता है हम वर्क कॉन्शियस होने के नाते से पढ़ाई पर उतना हम ध्यान नहीं देंगे। बाबा ने वही कहा ना, बार बार एक घंटे में रिवाइज करो। हम इसको क्या करते हैं, अलबेलापन में ले आते हैं, समटाइम्स बिजी होते हैं वर्क में, सो ये ट्रैफिक कंट्रोल करना उसको नीचे रख देते हैं। सो ये स्मॉल छोटी छोटे बातें है ना, यही बाद में बड़ा हो जाएगा। और भी बोलना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, इसमें मैं कुछ ऐड करती हूँ कि दो दिन के पहले जो मुरली चली थी तो उसमें नेहा दीदी ने कहा था कि अभी का जो पुरुषार्थ है ना वो हमें मिनट मिनट का करना है। अभी घंटे की बात चली गई, अभी हमें हर मिनट में याद रखना है कि हम बाबा को याद करते हैं या हम सोल कॉन्शियस है, हम बाबा को याद करते हैं या हम आत्मा स्वरूप में है। तो ये अभी मिनट मिनट जमा करनी है हमें, क्योंकि अभी ये घंटे घंटे का तो टाइम वो बहुत पहले था, अभी तो टाइम कितना नजदीक आ गया है। तो ये अभी हमें पुरुषार्थ तीव्र करने में हेल्प करेगा कि बाबा की याद और मैं सोल कॉन्शियस, आत्मा और परमात्मा। ओम शांति। हाँ जी, इसमें ब्रजमोहन भाई जी भी ऐसे ही बात किया था, अभी आप परमात्मा कॉन्शियस होना है इम्पोर्टेंट। सो हो आप परमात्मा को याद करेंगे तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। सो हर मिनट जैसे आपने कहा ना, ऐसे ही वो भी कह रहे थे, सोल कौन, हम मैं आत्मा हूँ उसके बजाय परमात्मा कॉन्शियस हो जाए, सो हमारा बेड़ा पार हो जाएंगे। तो इसमें ही हम मिनट मिनट जमा कर सकेंगे। ये जो बाबा कहते हैं ना 8 घंटे का चार्ट जो हो नहीं पा रहा है, कई भाई बहनों से हो नहीं पा रहा है, तो ये मिनट मिनट का अटेंशन रखने से वो हम 8 घंटा तक पहुंच जाएंगे, डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। ये क्या करते हैं हम कि एक घंटे में चेक करना है ना, तो हम थोड़ा इजी हो जाते कि हाँ चलो अभी 10 मिनट गया कोई बात नहीं, दूसरी 10 मिनट कैचअप कर लेंगे, मेकअप कर लेंगे, लेकिन वो 10 मिनट आती ही नहीं है फिर, इसलिए अभी मिनट मिनट का अटेंशन चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने 5 विकार बड़े 5 विकार बताए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वैसे ये अलबेलापन, आलस्य और अलबेलापन, ये भी एक विकार है, विकार ही है। 6th और 7th बाबा ने बताए हैं 70s के मुरली में, और हमें समझ में नहीं आता है। जैसे आप सब ने बताया, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं कि ये हो जाएगा। जैसे तेजल दीदी ने भी बताया कि और दीदी ने भी बताया कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम छोटी सी गलती करते हैं तो अगर वो गलती करते हैं फिर बाद में वो रियलाइज होते हैं, उसको महसूस करते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं, उसमें टाइम जाता है और फिर चेक एंड चेंज मींस 4 टाइम्स हमारा टाइम वेस्ट होता है।
तो वो स्टार्टिंग में ही अगर अलर्ट रहे, जैसे दीदी ने बताया कि मिनट मिनट का पुरुषार्थ करना है, तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो ये टाइम नहीं जाएगा। या फिर सेकंड ये भी कर सकते कि पश्चाताप में टाइम नहीं गंवाना है, जैसे बाबा बता रहे कि अलबेलेपन का पश्चाताप बहुत बड़ा है, तो पश्चाताप से डायरेक्ट हम जंप चेक एंड चेंज में करेंगे तो वो भी समय हमारा बच सकता है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। इसमें बाबा ने एक जगह ये भी मुरली में बताया कि तीव्र पुरुषार्थी, जैसे हम चेक करें कि हमारी जो कल स्थिति थी आज हमारी स्थिति ओवरऑल कल से अच्छी है कि नहीं, तो ये हम भी समझ जाएंगे कि हमारा पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर कल से अच्छी आगे बढ़ती चली जाएगी, जैसे अभी सभी ने बताया बहुत अच्छे अनुभव शेयर किए, तो इसमें भी हम चेक कर सकते हैं। ओम शांति जी। अभी हमको मिनट मिनट का पुरुषार्थ करना इम्पोर्टेंट है। सो आपका किसी का मिनट मिनट का जो पुरुषार्थ करते हैं, आपका अनुभव सुनाएंगे कोई भी एक? ऐसे तो टाइम हो रही है, डिफिकल्ट है ना थोड़ा। करना ही है, हम कर लेंगे। ओम शांति जी। जी मैं कोशिश करता हूँ। बाबा ने शुरू से मुरली में बोला ना, हर संकल्प और की चेकिंग करनी है, तो हम मतलब अभ्यास कोशिश करता हूँ, ये रेगुलर बढ़ा है, मतलब अभी उतना तो नहीं हो पाया। बाबा बोलता है कि जब कर्म करते हैं तो कर्म के कॉन्शियस में ही आ जाते हैं, पर जब फ्री होता हूँ या तब कोशिश करता हूँ कि हर संकल्प हम बाबा की श्रीमत के अनुसार ही चलें, तो इससे काफी अटेंशन रहा है और रेगुलर बढ़ रहा है। उतना एक्यूरेट तो नहीं हो पाया, पर अटेंशन रखने से ना दीदी वो रहता है कि मतलब रेगुलर बढ़ता रहता है अभ्यास, तो प्रैक्टिस में रहता है कि हमें नहीं हर संकल्प बाबा की याद में रह के, और जैसे बाबा मतलब समर्थ संकल्प चलाना है, जैसे कोई व्यर्थ आता है तो वही कि बाबा ने बोला है व्यर्थ नहीं सोचना, समर्थ सोचना, तो उससे चेंज कर लेता हूँ संकल्प, तो काफी इम्प्रूव हो रहा है रेगुलर। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया। सो वैसे हम थोड़ा अटेंशन देना इम्पोर्टेंट है ना। पहले क्या होता था, कोई भी गलती होता है तो हम पश्चाताप में उसको थिंक करते करते टाइम गवा देते हैं, उसके बजाय अभी क्या करना है, धीरे धीरे हम एक एक स्टेप हम चढ़ते जाएंगे तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सो पश्चाताप करना ये सब बात हम छोड़ देना है, अभी जो हो गया फुल स्टॉप करके हम आगे बढ़ना है। हाँ जी, हाँ शुभदा बहन जी आप बोले हो। ओम शांति। छोटा सा सवाल है, 1995 को डायमंड वर्ष क्यों कहा गया है, क्योंकि 36 से देखा जाए तो 75 इयर्स नहीं होते हैं। ओम शांति। हाँ जी, इसको ही बताना चाहते हैं। बाबा ने 60 इयर्स पे कहा है ना डायमंड जुबिली, 75, लेकिन 60 पे बाबा ने डायमंड जुबिली का साल कहा है। इसमें स्टार्टिंग में दिया भी है ना कि 60 इयर्स के सेलिब्रेशन के लिए डायमंड जुबिली वर्ष, तो 96 का जो अपकमिंग साल है उसके लिए ये लागू पड़ता है, क्योंकि हम 31st की मुरली पढ़ रहे हैं ना, 31st 12 95, तो 96 के साल के लिए डायमंड जुबिली का, तो 50 के बदले 60 इयर्स, आई मीन 75 के इयर्स के बदले 60 इयर्स, वो पता नहीं है क्यों कहा, लेकिन 60 इयर्स के लिए कहा है उन्होंने। मेरे को तो ऐसा लगता है बाबा जो बोल रहा है ना, बाबा का भाव तो है कि सेवाएं करानी है, तो बाबा तो सेवाएं करानी है तो किसी भी तरह से कोई प्रोजेक्ट देना है, तो उन्होंने बाकी तो हम ज्यादा प्रश्न में जाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रसन्न चित्त रहना है, बाबा ने बोला है तो करना है। बाबा तो हमेशा टारगेट फुल टारगेट, जैसे कि अब बस फाइनली तो वैसे ही दिया ना, बाबा के भाव को देखना है। डायमंड
है, मतलब जी सिल्वर हो गई, ये हो गई, तो अब इसके बाद ये तो नहीं कि अब स्टेप स्टेप चलेगा, इतना टाइम भी नहीं आगे, क्योंकि रिवीजन वाला भी वो भी सब खत्म हो गया, तो इसलिए बाबा ने पहले ही डायमंड वर्ष मना दिया कि ताकि सब अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करें। और नीचे तलहटी में भी डायमंड हॉल फिर वो बन रहा था वो सब फाइनली, तो हमें तो यही लगा कि बाबा इसीलिए। और दुनिया के लिए होगा कि आफ्टर 75 ईयर्स डायमंड जुबली, बट ये तो परमात्मा का कार्य है, परमात्मा की सेवा है, यज्ञ की सेवा है, तो 60 वर्ष बाद ये डायमंड जुबली हो सकती है। ये 60 ईयर को ही डायमंड, 60 को ही डायमंड जुबली बोलते हैं, 75 को प्लेटिनम बोलते हैं। ओम शांति। इसके बारे में और किसी को क्लैरिटी चाहिए तो कल मैं बड़ों से पूछकर आपको बताता हूँ। ओम शांति। इसी मुरली में बाबा ने कहा है ना कि बच्चे कहते बाप आप फिक्र नहीं करो 2000 में पूरा हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते लेकिन 2000 की डेट बाप ने तो दी नहीं, ऐसे ना हो कि आप 2000 का इंतजार करते रहो, दुनिया का इंतजाम पहले हो जाए, तो शायद इसीलिए। नहीं, आप विकिपीडिया में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 60 मतलब ही डायमंड जुबली। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू दिलीप भाई जी। अभी टाइम हो रही है। हाँ दीपा बहन जी, आपका हैंडल से आप एक में क्विकली आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा ओके, अभी टाइम हो गया है। लतिका बहन जी आप योग करेंगे अभी। ओम शांति जी, बोल सकते हो? टाइम है, टाइम हो गया, आप क्विकली शेयर करें। वो मिनट मिनट का बताना था जो आप पूछ रहे थे ना अभी, मिनट में कैसे योग करते। अच्छा सो एक सेकंड, कल बताती हूँ। हाँ कल बताना, टाइम हो गया जी। ओम शांति जी। ओम शांति। लतिका बहन जी आप योग कराइए 3 मिनट और 2-3 मिनट फिर हम एंड करेंगे। जी दीदी, हम अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करेंगे सभी लाइट के शरीर में और चलेंगे सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों के दुनिया में, जहां सामने बाप दादा खड़े हैं और मुझे देख के खुश हो रहे हैं। बाबा मुझ नन्हे से फरिश्ते को गोद में उठा लेते हैं। बाबा मुझ फरिश्ते को बड़े प्यार से समझा रहे हैं, मेरे लाडले बच्चे, अपनी कमी कमजोरियां, पुराने संस्कार विकार, इसे तुम छोड़ोगे तो छूटेगी। जैसे ये पुराना वर्ष 5000 वर्ष के बाद ही आएगा, वैसे ही अपने पुराने संस्कार और कमजोरियों को भी दृढ़ संकल्प और संपूर्ण निश्चय से विदाई दे दो। बच्चे निश्चय में कभी भी अलबेलापन नहीं करो। तीव्र पुरुषार्थ का जो भी दृढ़ संकल्प करोगे उसे बार बार रिवाइज करो, विजुअलाइज करो, चेक करो, उसे सफल करो, उसे भूलो मत। बाबा बहुत अच्छे से समझाने दे रहे हैं। बच्चे जैसे अभी बॉडी कॉन्शियस में कम आते हो वैसे ही एक्शन कॉन्शियस कम करो और अपने सोल कॉन्शियस को बढ़ाओ। मीठे बच्चे जब भी अपना चार्ट चेक करोगे तो 2 बातें जरूर चेक करना। पहली, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, वेरी गुड, पर यह भी चेक करो कि मैंने किसी का अच्छा कितना किया, मैंने जमा कितना किया। जमा करोगे तो ही जमा का खाता बढ़ेगा। बच्चे अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने के लहर को अभी विदाई दो। बच्चे माया के साथ को विदाई दो। बच्चे हमेशा बाबा को साथ रख के
अपने अकेलेपन को विदाई दो। बाबा बहुत अच्छे से समझाने दे रहे हैं बच्चे, अलबेलेपन का पश्चाताप बहुत बहुत बड़ा है। ये तुम्हारे श्वास, समय, संकल्प, शक्ति, खुशी, ये सारे खजाने कम कर देगा। बच्चे औरों को ना देखो ना फॉलो करो, सिर्फ बाप को देखो और उसे ही फॉलो करो। बच्चे योग और सेवा में सदा बिजी रहो, जितना बिजी रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। फिर बाबा ने मुझे तिलक लगा रहे हैं और कह रहे हैं, बाबा बच्चे ये स्मृति का तिलक कभी मिटाना नहीं। बाबा मुझे डबल ताज पहना रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे ये प्यूरिटी और जिम्मेवारियों का डबल ताज है, इसे कभी उतारना नहीं। अनुभव करे उस ताज का। फिर बाबा मुझे अपने दिल तख्त पर बिठा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे सदा दिल तख्त नशीन रहना, इसे कभी उतरना नहीं, क्योंकि स्वयं बाप तुम्हारा साथी है। बाबा ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया और बाबा मुझे वरदानों से, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। अभी बाबा कह रहे हैं, अच्छा बच्चे मैंने बताई सारी बातें याद रखना। अभी बाबा अपने बच्चों को फिर से अपने कर्म क्षेत्र पर जाने की अनुमति दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे अपने फरिश्ते स्वरूप से, अपने स्मृति से, स्थिति से बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य तुम्हें याद रखना है। अभी आ जाए नीचे और प्रवेश करें अपने दैहिक शरीर में। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू लतिका बेन जी। सो आज हम यही होमवर्क लेंगे। हर एक घंटे में बाबा ने कहा ना रिवाइज करो। सो हम आधा घंटे के लिए नहीं तो एक घंटे के लिए हम लक्ष्य रखेंगे। सो हम जमा कितना करते हैं, गवाते कितना है वो चेक करेंगे और जमा करने के तरफ हम ज्यादा अटेंशन देंगे, कोई ना कोई लक्ष्य रख करके। सामान का प्रैक्टिस हो, ड्रिल हो, कुछ भी हो जाए, हम जमा कितना करते हैं उसका पर हम अटेंशन ज्यादा रखेंगे। अच्छा, आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। शुक्रिया। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। गुड डे।